पटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। मतलब मेट्रो में जितनी सीटें हैं उससे आधे संख्या में ही लोग सफर कर पाएंगे, खड़े होकर भी लोग सफर अब नहीं कर सकते। और देखिए इसके बाद कैसे अब मेट्रो में दाखिल होने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कतार इतनी लंबी है कि जहां तक निगाहें जाएंगी आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं और यहां पर 1.5 किलोमीटर से भी लंबी लाइन है मेट्रो में जाने के लिए, मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करने के लिए। यहां पर सिर्फ एक गेट से एंट्री हो रही है और वहां पर भी कोविड को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने कल यानी कि मंगलवार को ही ट्वीट करके ये साफ कर दिया था कि अब मेट्रो में 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो चलेगी। ऐसे में आप अपनी यात्रा के लिए एक्स्ट्रा समय निकालकर ज़रूर चलें। कहाँ जाना है आपको और कब से लाइन में लगे हुए हैं? आधा घंटा हो गया, हमको 52 जाना, सेक्टर 52। रोज इतने टाइम लगता है? नहीं नहीं, आज लगा है बहुत दिन के बाद। कहाँ जाना है, कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए लाइन? आधा घंटा हो गया भैया। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है ही, दिक्कत हो रही है, लेकिन जिस तरह से कोविड फिर से दोबारा बढ़ रहा है तो जरूरी है कि ये कदम उठाया जाए। बंद ही कर दो ना, इससे बढ़िया तो बंद ही कर दें। 8 बजे का ऑफिस है, 11 बजे 12 बजे ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से आने में वही दिक्कत ही दिक्कत है। कहाँ तक जाना है? मेरे को तो नोएडा जाना है। ठीक है, तो लोगों की नाराजगी ऐसी भी है कि वो लोग कह रहे हैं कि बंद ही कर दो, इस तरह चलाने का मतलब ही क्या है। कहाँ जाना है आपको, कब से लाइन में खड़े? हमें जाना है साकेत, लाइन में खड़े हैं हम 8:30 बजे से। रोज टाइम लगता है? इतना ही नहीं, रोज नहीं लगता, रोज तो मैक्सिमम 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं, आज लगेगा 2-3 घंटा। लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है तो जरूरी है कि एहतियात बरते जाएं। हाँ जरूरी तो है, लेकिन लाइन में भी आप लोग देखिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए जनता अगर समझदार हो जाए तो ये समस्या इतनी ज़्यादा भी ना हो। लोग लाइन में लगे हुए हैं, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। तमाम लोगों के लिए ये मुश्किल वक्त हो सकता है, क्योंकि ये वो वक्त है जब लोग ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी में होते हैं, और ऐसे में अगर आधा आधा घंटा आपको लाइन में लगना पड़े तो जाहिर तौर पर यह परेशान करने वाली बात है। लेकिन ये सभी एहतियात बहुत ज़रूरी हैं ताकि लोग ओमिक्रॉन की चपेट में ना आने पाए। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया।